हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं आज मथुरा गोवर्धन यात्रा के लिए। और ये हम पहला मंदिर देखते हैं जो कि गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। और आप सामने गिरिराज जी महाराज की प्रतिमा भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों रूपों में गिरिराज जी विद्यमान है, प्रतिमा के रूप में और शिला के रूप में भी विद्यमान है। तो मैं आपको दोनों के दर्शन कराऊंगा, बने रहिए। ये देखिए श्री राम जी के दर्शन आप कर लीजिए। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं हनुमान जी के भी दर्शन। और ये बाहर का एरिया है, बाहर निकलने का। अभी हम अंदर थे और अभी हम शिला के दर्शन करने के लिए बाहर से आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए शिला के दर्शन आप कर रहे हैं। गिरिराज जी महाराज शिला के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर काफी प्राचीन मंदिर है ये भी। और पहला, अगर आप यात्रा स्टार्ट करेंगे तो पहला मंदिर आपका यही होगा। इसमें 5 मंदिर उनके दर्शन में हम कराने वाले हैं आपको। ये गिरिराज जी महाराज का पहला मंदिर है परिक्रमा स्थल पर। दर्शन भी आप बहुत अच्छे हुए हमें, और इसीलिए मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा देते हैं। काफी भीड़ थी, आरती का टाइम था, 5 बज रहे थे। ये बाहर से गिरिराज जी मंदिर ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर। गोवर्धन उठाते हुए भगवान, यहाँ अंदर भी बने हुए हैं सेवा सदन, धर्मशाला वगैरह। कहीं नहीं देखा होगा ऐसा। हाँ, 21 किलोमीटर आप ऐसे गोल घूमोगे, 3 स्टेट लग जाएंगे। कोई सब मेरे हिसाब से भारत में कोई पास हमारा तो कोई आर्मी में था मेरे ब्रदर वगैरह, वो भी वहाँ वो भी बनवा देते हैं। एक बार हमारे जीजा जी कोई किसी ब्रिगेडियर के को जानते थे, उससे बनवा लिए थे पास। तो यही भी दर्शन हो गए थे शॉर्टकट से, तो वही है। अच्छा, हम आ गए हैं मंदिर पूछरी का लोठा। ये सेकंड मंदिर पड़ा है परिक्रमा के बीच में, दूसरा मंदिर है। हम भी दर्शन करते हैं, को भी करवाते हैं। पीछे इमारतें बनी हुई हैं पुरानी, देख सकते हैं आप। अगर भैया आ गए, भैया के साथ आ गए, भाई सबके साथ हम। एक कुछ कोने पे भी है छोटा मंदिर। बोर्ड तो साइड ही पड़ता है ना। राधा कुंड के दर्शन, मथुरा राधा कुंड, सुंदर दर्शन प्रातःकाल। मुख्य द्वार है यहाँ का।
है नहीं यहाँ। बहुत ही सुंदर दर्शन है, आप देख सकते हैं। प्रातःकाल 5 बज रहे हैं और हम दर्शन कर चुके हैं। बहुत कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे। सूर्य उदय भी होने वाला है, देख सकते हैं कितना सुंदर घाट है ये राधा कुंड, जो कि मथुरा में स्थित है। सूर्य उदय भी होने वाला है। ललाहट देख सकते हैं आप राधा कुंड के मंदिर पे पीछे की साइड में, और सफाई चल रही है घाट की, क्योंकि लोग फूल अर्पित करते हैं तो वो फिर किनारे पे जाते हैं। इसके राधा कुंड में कछुए भी बहुत सारे हैं, हमने बिस्किट्स वगैरह डाले हैं अभी थोड़ा तोड़ करके, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। कुसुम सरोवर वीडियो भी कितनी जबरदस्त आ रही है इस टाइम। वाटिका है सुंदर सामने, बहुत ही सुंदर वाटिका बनी हुई है, काफी ग्रीन एरिया है यहाँ पर। हमारे गिरिराज जी मंदिर मुख्य मंदिर, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। जमुना जी के दर्शन आप कर सकते हैं गिरिराज मंदिर में, एक जमुना जी हैं, जमुना जी के दर्शन आप कर सकते हैं। जमुना जी यहाँ कहाँ से आ रही हैं ये कुछ नहीं पता, मगर हाँ जमुना जी के दर्शन आप कर रहे हैं। साफ जल है, नहा सकते हैं यहाँ पर आप, स्नान करके गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है गिरिराज जी का, देख सकते हैं दृश्य। कितना अच्छा पानी का बना रखा गौ माता के, उसमें पानी फिटिंग कर रखी है। Hello.
हेलो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।